इंसान हमें चाहिए। देखिए आदमी को अच्छा इंसान होना चाहिए, होना चाहिए, मानते हैं होना चाहिए, बट क्वालिफिकेशन क्रिकेट की क्या है खेलने की? आप क्रिकेटर होने चाहिए भाई अच्छे। मैं भी अच्छा इंसान हूं, मैं भी अच्छा इंसान हूं, मैं कप्तान बनना चाहता हूं। रोहित शर्मा, अब सेल्फलेस की सारी स्टेज बताई मैंने आपको। पहली स्टेज सेल्फलेस की के जी पहले अपने रन नहीं सोचना, टीम के लिए रन बनाने, जल्दी खेल रहे हैं 30-40 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, पावर प्ले में खत्म कर दूंगा, उसके बाद तो खेला नहीं जाएगा पता ही है, तो आउट। सेल्फलेस, उसके बाद और ज्यादा सेल्फलेस बनूंगा कि मैं पहले ओवर दूसरे ओवर में आउट, पूरे ओवर छोड़ दूंगा सारे के लिए, बच्चों तुम खेलो मैं नहीं खेलूंगा, इतना ज्यादा सेल्फलेस। देखो मैंने कुर्बानी दी, डक पे आउट होके आया, खेलो अपने आप को हीरो बनाओ, मैंने छोड़ दिया, मैं सेल्फलेस हूं। तीसरा उससे भी ज्यादा सेल्फलेस, मोक्ष की प्राप्ति के चरम सीमा, खेलना ही नहीं, दूसरी टीम को इनिंग्स डिफीट से हारेंगे भाई, खेलना ही नहीं, जीतो तुम। मतलब ये तो एक सीढ़ी रह गई मोक्ष, इसके बाद सीधा मोक्ष ही मिले, उसके बाद भगवान करेगा छोड़ यार तू इंसान नहीं, इधर ही आके बैठ मेरे साथ, इतना सेल्फलेस, इतना सेल्फलेस हो गया यार तू, पागल हुए पड़े लोग, पागल हुए पड़े इमोशनल। मुंबई इंडियंस सारे नहीं जी निकाल दिया, हार्दिक पांड्या विलन, वो ही हार्दिक पांड्या आके इनको जिता देगा ना, उसके पैर धो धो के पिएंगे ये लोग, दो दिन में भुला देंगे ये सारा। मैं बोल भी रहा हूं भाई यहां पे समझ जाओ, समझ जाओ यहां पर यार, 5 रन डक। अच्छा उसके बाद बहाने क्या दिए जा रहे हैं, ट्रॉमा हो गया जी, तकलीफ में है, पेनफुल, दिल पे दर्द हुआ हुआ है। भाई आपके विराट कोहली का क्या ट्रीटमेंट हुआ है पिछले 3-4 साल से जरा बताना, UAE T20 वर्ल्ड कप खेल के आया वो, यहां पे गुप्ता जी इतना बड़े चैनल में बैठे हुए, इतने बड़े ग्रुप में बोल रहे हैं उसको T20 से निकाल दो, तमाशा चला पूरा। सौरभ गांगुली उससे हाथ नहीं मिला रहा, गौतम गंभीर मम्मी डैडी हो रही है वहां पे, बेंच स्टोक्स चल रहा है, फील्ड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो लगातार 2 सेंचुरी मार दी आईपीएल में, जाके उसने ऑस्ट्रेलिया में भी रन मार दिए, हाईएस्ट स्कोर भी बन गया T20 वर्ल्ड कप में, फिर आया ओडीआई वर्ल्ड कप फिर वो रन मार गया, फिर तुम्हारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया, फिर आके तुम्हारे सारे बोल रहे हैं इसको निकाल दो, फिर सारे बोल रहे हैं किसको निकाल दो, रोहित का बनता है। उसने क्या क्या ट्रॉमा झेला है, उसकी तीनों कप्तानी चली गई, वो साउथ अफ्रीका में कैप्टन बन के आया था पिछली बार, पहला टेस्ट मैच उसने जिताया था, उसके बाद उसने कप्तानी छोड़ दी, सेकंड टेस्ट मैच खेला ही नहीं क्योंकि चेतन शर्मा यहां पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि जी हमारा नंबर वन क्रिकेटर रोहित शर्मा है, तब से तुम्हारा टेस्ट क्रिकेट भी खत्म। आज जनाजे उठ रहे हैं तुम्हारे टेस्ट क्रिकेट के, और निकाल लो कोहली को, बट कोहली को निकाल लो, उसका कितना टॉर्चर किया तुम लोगों ने वो नहीं देख रहे, वो तो आराम से खेल रहा है भाई रोहित शर्मा के अंडर, और हर मैच में रन मारता है, आज भी उसने रन मारे, कोई कमी रखी क्या उसने इंडिया के लिए या अपने कप्तान के लिए? कोई उसके मन में ये था कि मैं फेल हो जाऊं रोहित शर्मा आगे ना बढ़ जाए, कोई ये था क्या जो तुम दिखाते हो हर बार? मारे रन, बढ़िया रन मारे T20 वर्ल्ड कप में, बढ़िया रन मारे, रोहित के रन नहीं थे, रोहित कप्तान था, ओडीआई वर्ल्ड कप बढ़िया रन मारे, क्या कमी रखी विराट कोहली ने? उसको निकालने में लगे रहते हो, एक झटका पड़ा रोहित शर्मा को, मुंबई इंडियंस ने हटाया, हालत खराब हो गई, जबकि रेड बॉल में इतना अच्छा खेल रहा है रोहित शर्मा, इतना अच्छा खेल रहा था, वेस्ट इंडीज में 100 था, ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट 100 था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था मामला, मोहल्ला हिल गया पूरा, इनिंग्स डिफीट मतलब नंबर वन टेस्ट साइड, नंबर वन टेस्ट की साइड का बनता है, बिल्कुल नहीं बनता भाई, नंबर वन होते हो खेल रही है, बताना जरा कोबरा जी, साउथ अफ्रीका की यार मुझे उनसे यहाँ पे रबाडा नो किए, वो तुम्हारा एक रबाडा है बस, एक रबाडा था उनके, तीन प्रॉपर यंग डेलसेन आ गया, क्या हुआ ऐसा पता नहीं, समझ में नहीं आया, पता नहीं ये साउथ अफ्रीका की जेड टीम खेल रही थी डी, अब तो मैं बी भी नहीं बोलूंगा भाई, बी भी नहीं बोलूंगा भाई, जब बर्गर आके 5 विकेट लेके जा रहा है, 5 विकेट नहीं ले पाया, 4 लेके जा रहा है, मार्को एंसन से आप हार रहे हो, अभी तो एंगडी नहीं था, अभी आपका भैया नोकिया नहीं था, वरना क्या होता है इनका यहां पे, क्या होता, यही समस्या हमारे तो परे, जब इतने बड़े बड़े बोलर्स नहीं है आपका, आपने कभी बर्गर का नाम नहीं सुना, बर्गर आज की डेट में आपको खौफ करके डरा के आउट करके जा रहा है, वो बोल रहा है बॉलिंग करते हुए कि भाई तू मेरी विकेट है, उसके बाद आप कोट जी को देख लो, वो भी विकेट लेगा पर बेचारे को रन पड़ गए, मार्को एंसन को तो आपने देखा ही हुआ है, लेकिन मार्को एंसन ना जी, हम मार्को एंसन को बॉलिंग में कामयाब नहीं, हम उसको बैटिंग में भी कामयाब करवाएंगे, हाँ। हम मार्को एंसन को ऑलराउंडर बनाएंगे, हम तो बना नहीं पा रहे हैं अपने इंडिया में, दूसरे को तो बनवा लें, और इंडिया की सामने वाली टीम के ऑलराउंडर बनवाते हैं, मार्को एंसन से बैटिंग करवाते हैं,
आपको वो भी तो प्रथा जारी रखनी थी भाई। सुपर चैट सारे लेंगे, टेंशन मत लेना, ये थोड़ा लंबा चलेगा शो, सॉरी। और लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना स्पोर्ट्स हैरी को। शर्मा जी क्या कहे एक बार निकाल के दिखा देना, दिखा देना शर्मा जी ने क्या बोला। आपको वो प्रथा भी तो जारी रखनी थी, डेब्यूटेंट्स आपके सामने आके अच्छा करें, आपने किया। बर्गर डेब्यू पे था, कितने विकेट दे दी? चार और तीन सात, पहली इनिंग्स में तीन तीन सात विकेट दे दी बर्गर को। बेडिंगम डेब्यू पे था, 50 बना दिया उससे। हर बार होता है, नया क्या है, हर बार डेब्यू पे जो भी बंदा आता है इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता है। मार्को यंगसन से उनकी बेस्ट इनिंग्स की करियर उनका तो परफॉर्म करता है। हमारा रोहित शर्मा, आप जो भी हो जाए, जब भी आप हारते हो, विराट कोहली हारते प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते, एटीट्यूड सेल्फिश निकालो। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता, आंसुओं का उसकी तस्वीर छिप जाती है, रो रहे थे। T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इमोशनल। वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इमोशनल। यहां पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, नहीं, दर्द, रोहित का बर्दाश्त नहीं हुआ, रोहित इमोशनल हो गए, रोहित को आंसू आ गए। यहां पे भी देख ले, शक्ल देख ले, वो छप जाएगा, रोहित से बर्दाश्त नहीं हो रहा, रोहित को रोना आ गया। बाकी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, भाई तुम हारे क्यों, कभी तुम बोल रहे, इल्जाम लगा देते T20 वर्ल्ड कप हारे हमारे बॉलर जी, बॉलर डिड नॉट शो अप जी, खुद का मेरा कोई परफॉर्मेंस नहीं T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन बॉलर नहीं आए जी। ओडीआई वर्ल्ड कप हारे, खुद तो तुम सामने ही नहीं आए, कोच आ गया, पिच जी हमारी पिच जो है उसने हमारी पिच कर दी, पिच हमारी तरफ से नहीं चली, हमारे हक में नहीं आई पिच। मतलब पता नहीं क्या, मैंने वहां पे पिच को सींचना था, उसमें मैंने पौधे लगाने थे, क्या करती पिच तो दोनों के लिए बराबर होती है। मतलब क्या तुम पहले जीत रहे थे पिच को मैनिपुलेट करके, क्या बोला है रोहित राहुल द्रविड़ ने, ये अब आ जाएंगे सर झुका के, इमोशनल। ओहो, बाकी सब बता रहे हो या दिस इज वाई वी लॉस, ये कर रहे हैं, मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इनको समझो ना तुम सिर्फ पानी, रो रो के आंसू, बस यही चल रहा है यहां पे, ड्रामेबाजी। 10 साल से कुछ नहीं जीते, ड्रामेबाजी, इंडियन पिचेस के ऊपर चौड़े होके ड्रामेबाजी।